माननीय बच्चों, चलिए समय से संबंधित हम एक प्रश्न हल करने का अभ्यास करते हैं। हमारे पास प्रश्न है, 8 वर्ष 2 महीना को महीना में बदलिए। हमें 8 वर्ष और 2 महीने को महीने में बदलना है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास 2 महीना है और उस महीने को महीने में ही बदलना है, तो हम क्या करेंगे, चलिए हल करते हैं। 8 वर्ष 2 महीना और इसे महीने में बदलने, तो या तो पहले से महीना में है तो इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ 8 वर्ष को महीने में बदलेंगे और जो 8 वर्ष को महीने में बदलने पर जो हमारे पास आंकड़े आएंगे उसमें हम 2 महीने को जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, 8 वर्ष और 2 महीना अलग अलग कर लेते हैं। अब हमें पता होगा क्योंकि 1 वर्ष का जो समय है वह कितने महीने के बराबर होता है, 12 महीने के बराबर होता है। अभी हमने यहाँ सीखा है कि 1 वर्ष का जो समय है वह 12 महीने के बराबर होता है। तो हमारे पास से 8 वर्ष और 2 महीना। अब इस 8 वर्ष को हम महीने में बदल लेते हैं, 8 तो उसमें गुणा करते हैं, गुणा 12 महीना, और यह 2 महीना है तो धन 2 महीना। इस तरह से गुणा कर लीजिए, 12 कट्ठे तक पहाड़ा 12 96 महीना और 2 महीना। अब देखिए दोनों आंकड़े हमारे पास महीने में हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8 और 9 तो 98 महीना। तो इस तरह से 8 वर्ष 2 महीना जो है इतने के बराबर होगा, 98 महीना। ऐसे आप 13 सवाल और हल कीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए।